बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई एम मोहम्मद समीर आसिफ फ्रॉम सुपीरियर कॉलेज ननकाना साहब। टुडे आई विल फोकस फर्स्ट ईयर पोइम्स, सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट पोइम द रेन। आज हम द रेन के ऊपर बात करेंगे और लेक्चर का फ्लो कुछ इस तरह से होगा कि सबसे पहले हम उसकी सिंपल इंग्लिश पैराफ्रेजिंग करेंगे, उसके बाद उसके कुछ अंडरलाइंग मीनिंग्स को डिस्कस करेंगे एंड फाइनली हम उसमें डिस्कस करेंगे कि पोएट ने कौन से लिटरेरी डिवाइसेस यूज़ की हैं ताकि उसके स्टैंजा को एक्सप्लेन करने में आसानी हो। सो लेट्स मूव ऑन टुवर्ड द फर्स्ट पोएम द रेन। आई हियर लीव्स ड्रिंकिंग रेन, आई हियर रिच लीव्स ऑन टॉप गिविंग द पुअर बीनीथ ड्रॉप आफ्टर ड्रॉप, टिस अ स्वीट नॉइज टू हियर these green leaves drinking near, and when the sun comes out after this rain shall stop, a wondrous light will fill each dark round drop. I hope the sun shines bright, it will be a lovely sight. So dear students, this is a really lovely poem by W.H. Davies. It shows a great love of life, and it shows, the poet's nature regarding the viewpoint of life. इसको हम अभी सिंपल इसकी पैराफ्रेजिंग करते हैं और कुछ उर्दू ट्रांसलेशन करते हैं इसको समझने के लिए। पोएट कहता है, आई हियर लीव्स ड्रिंकिंग रेन, मैं बारिश का पानी पत्तों को पीते हुए सुनता हूँ। आई हियर रिच लीव्स ऑन टॉप Giving the poor beneath, drop after drop. Poet कहते हैं, मैं जो चोटी के ऊपर, जो सबसे ऊपर टॉप पे जो पत्ते हैं और जो घने पत्ते हैं, जो रिच लीव्स हैं, मैं उनको सुनता हूँ कि वो निचले पुअर लीव्स को, कम घने पत्तों को कतरा कतरा करके पानी देते हैं, वो बारिश का पानी मुहैया करते हैं। This a sweet noise to hear, और इनका जो शोर है, जो इनकी आवाज़ है, यानी बारिश के टपकने की जो आवाज़ है, वो बड़ी ही मीठी है, बड़ी ही खुशगवार है। These green leaves drinking near, जो ये सरसब्ज पत्ते करीब ही पी रहे हैं, यानी जिन सरसब्ज पत्तों पर करीब ही वो बारिश का पानी टपक रहा है। So in this stanza, the poet says that it is raining somewhere on a tree where the rich leaves which are on the top, they are receiving that rainfall directly, and when they are enriched with water, later on they pass on those water drops to the poor leaves which are beneath. Yani poet is stanza mein kehte hain ke jo top ke upar rich leaves hain, वो जब बारिश के पानी से भर जाते हैं, जब उनके पास बारिश का पानी ज़्यादा हो जाता है, वो कतरा कतरा करके नीचे टपकाते हैं, और ताकि वो निचले जो गरीब पत्ते हैं, जो कम घने पत्ते हैं, उनको भी पानी मिल जाए। इन सेकंड स्टैंजा पोएट सेज, एंड व्हेन द सन कम्स आउट आफ्टर दिस रेन शैल स्टॉप, और जब सूरज निकल आता है और जब ये बारिश रुक जाएगी और सूरज निकल आएगा, A wondrous light will fill each dark round drop. तो ये जितने भी dark round drops हैं, यानी कतरे हैं, जो स्याह दायरे वाले, हल्के वाले जो कतरे हैं, उनको एक रोशनी, खूबसूरत रोशनी, एक चमक वाली रोशनी जो है वो उनको भर देगी। I hope the sun shines bright. और poet कहते हैं, मैं उम्मीद करता हूँ, मुझे यकीन है कि जो सूरज है वो खूब चमकेगा। It will be a lovely sight, और ये बड़ा ही ज़बरदस्त मंज़र होगा, बड़ा ही खुशगवार मंज़र होगा। Once again, in this piece of stanza, in this piece of poetry, poet says, when sun comes out after the rain shall stop, there would be light everywhere, there would be equal light to all the drops, whether they are on the top somewhere or whether they are beneath somewhere. There would not be any discrimination regarding the distribution of light, which is, you know, taken from the sun. Yani poet kehte hain
कि जब बारिश थम जाएगी तो सूरज निकल आएगा तो हर तरफ रोशनी होगी और वो रोशनी सब के लिए यकसां होगी और वो हर कतरे के लिए हर जर्रे के लिए एक जैसी होगी। एंड मीनवाइल द पोएट मेक्स अ होप दैट देयर वुड बी अ लवली साइट बिकॉज द साइट वुड बी प्लेजेंट बिकॉज नो वन विल रिमेन डिप्राइव्ड ऑफ द लाइट और द अटेनिंग ऑफ लाइट। हर एक को यकसां लाइट रोशनी मुहैया होगी। ये थी इसकी सिंपल पैराफ्रेजिंग इसकी इंग्लिश या इसकी उर्दू इसका कंटेंट समझने के लिए। आपको पता है जो पोइट्री है वो मेटाफोरिक लैंग्वेज उसमें यूज़ होती है, उसमें कुछ अपेरेंट मीनिंग्स के साथ साथ अंडरलाइंग मीनिंग्स भी होते हैं। तो स्टूडेंट्स उन अंडरलाइंग मीनिंग्स को समझने के लिए, उनकी प्रॉपर कंप्रीहेंशन के लिए, जो उस पीस ऑफ पोइट्री में या पोइम में लिटरेरी डिवाइसेस यूज़ की गई होती हैं, अगर हम उनको प्रॉपरली देख लें द आइडिया वुड बी यू नो बेटर इन कंप्रीहेंशन। एज वी सी हियर आई हैव रिटन सम ऑफ द लिटरेरी डिवाइसेस और फिगर ऑफ स्पीच which might be helpful for the comprehension of the explanation of this poem. सबसे पहले है personification. As we all know, personification क्या होती है? To give or to attribute some animate qualities to inanimate things or some human qualities or human characteristics to some non-human or some inanimate things. यानी किसी भी बेजान चीज़ को जानदारों की सी खसूसियत देना या ह्यूमन खसूसियत देना, ह्यूमन ट्रेट्स देना, ह्यूमन एट्रीब्यूशन देना, दैट इज कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन। द सेकेंड वन इज एलिट्रेशन। एलिट्रेशन एज यू सी एलिट्रेशन होता है द रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स इन अ लाइन और इन अ पैसेज और इन अ स्टैंजा। द नेक्स्ट वन इज मेटाफर। मेटाफर और सिमनी करीब करीब है, ये कंपेरिजन होता है दो चीज़ों के मबैन। उस कंपैरिजन को समझने के लिए या उस तशबीह को समझने के लिए जो डिवाइस यूज़ की जाती है दैट इज़ कॉल्ड मेटाफर और सिमिली। इन दोनों में एक स्लाइट सा डिफरेंस है। जो मेटाफर है वो एक डायरेक्ट जो कह लें किसी चीज़ की नरेशन होती है, डायरेक्ट किसी चीज़ को कोई ट्रेट्स या कोई एट्रीब्यूशन दी जाती है, जबकि जो सिमिली है उसमें लाइक और एज का इस्तेमाल किया जाता है। फॉर इंस्टेंस माँ जो है वो अपने बच्चे को बुलाने के लिए अगर वो उसकी खूबसूरती को पुकारना चाहती है या बहादुरी को पुकारना चाहती है तो एक माँ अपने बच्चे को कह सकती है लुक दैट माई मून माई लाइन मेरा शेर है मेरा चांद है। सो दिस इज़ आ डायरेक्ट यू नो सम सॉर्ट ऑफ एट्रीब्यूशन। डायरेक्ट किसी चीज़ को आपने एसोसिएट किया कंपेयर किया। अच्छा इसी तरह से अगर वो माँ कहे माई सन इज़ लाइन लाइक, अगर वो उसकी ब्रेवरी को शो करना चाहती हैं, अगर वो उसकी खूबसूरती को शो करना चाहती हैं तो वो ये भी कह सकती हैं माई मून लाइक सन इज़ कमिंग नाउ। तो दिस इज़ कॉल्ड मेटाफर एंड सिमिली। इमेजरी इट इज़ रिलेटेड टू ऑल फाइव सेंसेस ऑफ ह्यूमन बींग द थिंग्स विच नॉर्मली वी परसीव फ्रॉम ऑल ऑफ आर फाइव सेंसेस the things would be regarded in an imagery. यानी imagery में वो तमाम चीज़ें शामिल होंगी जो हम अपनी पाँचों senses से perceive करते हैं। पाँच की पाँच जो sense हैं उनके ज़रिए हम उनका उनको महसूस करते हैं या इदराक करते हैं। The next one is rhyming scheme. Surely we will discuss a lot about rhyming scheme in each poem. So the case with this poem, इस poem में भी rhyming scheme कौन सी use की गई है हम इसको अभी डिस्कस करते हैं। द नेक्स्ट वन इज रेफ्रेन। रेफ्रेन एज यू सी द रेफ्रेन इज अ रिपीटेशन ऑफ अ लाइन और अ वर्ड और अ सेंटेंस इन अ पोइम और इन अ स्टैंजा। सो लेट्स बिगिन विद द वंस अगेन फर्स्ट स्टैंजा। आई हियर लीव्स ड्रिंकिंग रेन, आई हियर रिच लीव्स ऑन अ टॉप गिविंग द पुअर बीनीथ ड्रॉप आफ्टर ड्रॉप इट्स अ स्वीट नॉइस टू हियर दीज ग्रीन लीव्स ड्रिंकिंग नियर। पर्सोनिफिकेशन इसमें पोएट ने यूज़ किया है लीव्स को और सन को, यानी लीव्स को पर्सोनिफाई किया है टूवर्ड द नॉर्मल ह्यूमन बीइंग ऑफ अ सोसाइटी। हियर रिच लीव्स दे आर पर्सोनिफिकेशन ऑफ रिच पीपल और द पुअर लीव्स दे आर द पर्सोनिफिकेशन ऑफ पुअर पीपल। सो इट वुड बी एन
an imagery, or it could be an image or a picture of a society where rich and poor people are living together. तो पोएट ने इस पोएम में बताया है कि जो अमीर लोग हैं या गरीब लोग हैं वो एक सोसाइटी में हैं और किस तरीके से वो कुदरत की जो बाउंटीज हैं या जो वसाइल हैं या जो वेल्थ है या जो रकम है या जो पैसे हैं या वसाइल हैं या कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं वो किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं. इन फर्स्ट स्टैंजा द पोएट इज सेइंग दैट देयर आर मैनी रिसोर्सेज विच आर यूज्ड बाय रिच पीपल when they use all those resources and the resources become enough, you know, extra from their usage, they just pass on those resources or that sort of wealth or that sort of things or, you know, daily routine commodities toward the people. और वो लोगों को ड्रॉप आफ्टर ड्रॉप यानी पेनीज की सूरत में, सिक्कों की सूरत में, खैरात की सूरत में, चैरिटी की सूरत में देते हैं. ये हम इस पोइम के जो अंडरलाइंग मीनिंग्स हैं, दैट कुड बी वन ऑफ द एस्पेक्ट, हम उसको डिस्कस कर रहे हैं कि इससे मुराद पोइट का सोशल एक ये वाला इमेज भी है, सोसाइटी की एक पिक्चर देना भी है कि कैसे अमीर लोग वसाइल का इस्तेमाल करने के बाद जब उनके पास चीज़ें फालतू हो जाती हैं, एक्स्ट्रा हो जाती हैं, तो वो गरीबों को देते हैं, चैरिटी की सूरत में देते हैं, आर्म्स की सूरत में देते हैं, और वो कैसे थोड़ी थोड़ी चीज़ें उन गरीबों तक पहुंचाते हैं. उसके बाद पोएट कहता है कि ये सब सोसाइटी में जब ये प्रैक्टिस होती है, जब अमीर लोग गरीबों को वसाइल देते हैं, दैट्स इन वन वे इट कुड बी अ क्रिटिसिज्म एंड इन अदर वे इट कुड बी एन एप्रिसिएशन एज वेल, कि गरीबों को वो देते हैं, थोड़ा थोड़ा देते हैं लेकिन चले देते हैं. तो पोएट कहते हैं कि इट कुड बी अ लवली साइट दीज ग्रीन लीव्स ड्रिंकिंग नियर, कि जब सब सर सब्ज पत्ते उन पे जब ये बारिश बरस रही होती है, यानी जब लोगों पे वसाइल की भरमार हो रही होती है, जब लोगों को वसाइल मिल रहे होते हैं, तो ये सारा एक बड़ा ही दिलकश मंजर होता है. इसका आवाज़ इसकी आवाज़ सुनना बड़ा ही अच्छा लगता है, यानी इसकी प्रैक्टिस, ये सोशल प्रैक्टिस एक अच्छी चीज़ है. सो लेट्स मूव टूवर्ड द सेकेंड स्टैंजा. And when the sun comes out after this rain shall stop, a wondrous light will fill each dark downed drop. I hope the sun shines bright, it will be a lovely sight. The poet is quite optimistic in second stanza that though there is, you know, unequal distribution of wealth and resources among the people, though there is injustice regarding the equal distribution of wealth and resources, But even then, he is quite optimistic that there would be sun and it will come out and there would be a lovely sight. यहाँ पे वो सूरज को एक निज़ाम से, एक अच्छे हुक्मरान से, एक अच्छी रवायत से तशबीह दे रहा है कि जब वो एक अच्छी रवायत बरकरार होगी, जब वो एक अच्छा सिस्टम आएगा, जब हर तरफ रोशनी होगी, when there would be equal distribution of wealth, when there would be equal, you know, distribution of resources, when there would not be injustice, when there would be a practice of justice, equality, equation, जब हर एक को बराबर का हिस्सा मिलेगा, पोएट कहता है ऐसा सिस्टम आएगा, वो सूरज तुलू होगा, वो उम्मीद की किरण जाहर होगी और ये बड़ा ही दिलकश मंजर होगा. When each dark round drop, in a wondrous light will fill each dark round drop, और उस सूरज की किरणों से जितने भी गरीब हैं, जितने भी अफसरदा हैं, जिनकी जो प्रॉस्पर कंडीशंस नहीं हैं जिन लोगों की, वो सब अब तरीका शिकार लोग उस खूबसूरत लाइट से, यानी उस आदलाना निज़ाम हुकूमत से जो है ना, वो उस रोशनी को इकट्ठा कर लेंगे, वो रोशनी उनके अंदर भर जाएगी. सो वंस अगेन पोएट इज क्वाइट ऑप्टिमिस्टिक रिगार्डिंग द मिजरेबल कंडीशन ऑफ द पीपल ऑफ हिज सोसाइटी दैट देयर वुड बी अ सोशल प्रैक्टिस सूनर और लेटर, और देयर वुड बी अ गवर्नमेंट सिस्टम, और देयर वुड बी अ रूलिंग क्लास हु विल टेक कंसिडरेशन ऑफ ऑल सच टाइप ऑफ पीपल हु आर, यू नो, poverty stricken or who are just kept deprived of the social equal distribution of wealth. Poet kehta hai un
तमाम लोगों को भी उनके हिस्से की सारी चीज़ें मिलेंगी और वो सिस्टम आएगा. आई होप द सन शाइन्स ब्राइट, इट विल बी लवली साइट. वंस अगेन हमें ये लाइनें बताती हैं कि जो पोइट है वो काफ़ी पुर उम्मीद है उस निज़ाम के लिए, उस सिस्टम के लिए जो लोगों को एक जैसे जो वसाइल मुहैया करेगा, एक जैसी दौलत देगा, एक जैसी अपॉर्चुनिटीज देगा. ओके, जस्ट मूव ऑन टुवर्ड द एलिट्रेशन. एलिट्रेशन का जैसे मैंने बताया कि एलिट्रेशन कहते हैं रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स को. याद रखें, जब आप एक पोइम के स्टैंजा को एक्सप्लेन करते हैं तो आप उसकी सिंपल जो प्रोज फॉर्म में इंग्लिश होगी वो लिखेंगे, उसके बाद उसके अंडरलाइंग मीनिंग्स यानी व्हाट इज द फिलोसॉफिकल आइडिया बिहाइंड दीज वर्ड्स और बिहाइंड दीज लाइंस, आप वो डिस्कस करेंगे. और बहुत ही अच्छा होगा कि आप उसके अंदर जो एक दो तीन जो भी लिटरेरी डिवाइसेस पोइट ने यूज़ की हैं आप उनका भी तस्करा कर दें. इट वुड हैव अ वेरी पॉजिटिव इम्पैक्ट. तो एलिटरेशन के बारे में बात करते हैं. जैसा कि मैंने उधर एग्जाम्पल्स में लिखा है कि ड्रॉप ड्रॉप वंडरस विल. अब अगर आप इस पर गौर करें तो ड्रॉप और ड्रॉप को ढूंढते हैं कि पोइम में वो कहां पे है. जी, तो एक तो ड्रॉप है ये और एक ड्रॉप है ये. अगर आप इनके साउंड्स पे गौर करें, अगर आप इनकी साउंड्स को थोड़ा सा सोचें तो ये ड साउंड है. तो कॉन्सोनेंट साउंड है तो ड और ड ये रिपीट हुआ है. तो जैसा कि हमने डिस्कस किया कि एलिट्रेशन इज कॉल्ड द रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड इन अ लाइन और इन अ पोइम. नेक्स्ट वन मैंने लिखा है वंडरस एंड विल. बायलेबियल साउंड है, व साउंड है. जैसा कि आप देख सकते हैं this one and this one. So ये है और ये sound है. ये भी consonant sound है और repetition है consonant sound की, तो इसलिए ये भी alliteration है हमारे पास. alliteration number टू पे है यानी ये number टू वाली है. ये भी हमारे पास नंबर टू वाली लिटरेरी डिवाइस है. द नेक्स्ट वन इज मेटाफर. मेटाफर मैंने आपको जैसे कि बताया कि एक एसोसिएशन है किसी चीज़ की डायरेक्ट तशबीह देने के लिए. तो यहाँ पे हमने डिस्कस भी किया ड्रॉप जो है, जो रेन्स के ड्रॉप्स हैं, दैट कुड बी सम सॉर्ट ऑफ कॉइन्स, सम सॉर्ट ऑफ पेनीज, बाउंटीज और वेल्थ और रिसोर्सेज. तो इसी तरह से लीव्स हैं, लीव्स स्टैंड फॉर पीपल, रिच लीव्स स्टैंड फॉर द रिच पीपल ऑफ सोसाइटी एंड द पुअर लीव्स स्टैंड फॉर द पुअर पीपल ऑफ दिस सोसाइटी. द नेक्स्ट वन इज सन. सन कुड बी अ रूलर, सन कुड बी अ सिस्टम, इवन कुड बी ट्रेडिशन और सम सॉर्ट ऑफ रिचुअल्स और राइट्स ऑफ अ सोसाइटी. यानी सन से मुराद कोई भी एक निज़ाम हो सकता है, कोई भी एक हुक्मरान हो सकता है, रवायात हो सकती हैं. द नेक्स्ट वन इज रेन. रेन वंस अगेन इट इज़ अ सिंबल और अ मेटाफर, और इट कुड बी अ मेटाफर फॉर वेल्थ, इट कुड बी अ मेटाफर फॉर कम्फर्ट्स ऑफ लाइफ और सम सॉर्ट ऑफ सच टाइप ऑफ थिंग्स और रिसोर्सेज. इमेजरी भी इस पोइम में यूज़ की गई है और इसमें ऑडिटरी इमेजरी भी है और इसमें विजुअल इमेजरी भी है. जैसा कि पोइट कहता है आई हियर लीव्स ड्रिंकिंग रेन. सो ये हमारी सुनने की जो सेंस है उसके रिलेटेड है. तो इट इज़ ऑल्सो आई यूज ऑफ इमेजरी. जी, तो इमेजरी के बाद राइमिंग स्कीम को डिस्कस करने से पहले आई विल गो टू वर्ड रेफ्रेन. रेफ्रेन एज वी डिस्कस अर्लियर के रेफ्रेन होती है रिपीटेशन ऑफ अ वर्ड और अ लाइन और अ सेंटेंस विद इन अ पोइम.
और इन अ स्टैंजा. तो इस पोइम में जो रेफरेन है, एज आई हैव रिटन डाउन हियर, ड्रॉप रेन एंड आई हियर, ये बतौर रेफरेन पोइट ने यूज की हैं. जैसा कि हमारे पास ये है, आई हियर, क्योंकि रिपीटिशन हुई है इनकी. इसी तरह से हमारे पास है ड्रॉप, जैसा कि एक ड्रॉप ये है, ये है, और ये नीचे भी कहीं होगा. ओके, जैसा कि है हमारे पास रेन, जैसा कि हमारे पास ये है रेन, और जैसा कि हमारे पास ये है रेन. सो दिस इज कॉल्ड रेफरेन. एट लास्ट जस्ट वी विल स्विच टुवर्ड राइमिंग स्कीम, के एक पोइम के अंदर राइमिंग स्कीम को किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं. डियर स्टूडेंट्स, रिमेंबर वन थिंग, के राइमिंग स्कीम को आइडेंटिफाई करते हुए जो सबसे बड़ी गलती आमतौर पे स्टूडेंट्स करते हैं वो है अल्फ़ाबेट और लेटर्स की साउंड्स के साथ मिक्सिंग. सो प्लीज़ डू कंसीडर वाइल यू नो मेकिंग एन आइडेंटिफिकेशन ऑफ राइमिंग स्कीम. सो यू हैव टू माइन्यूटली डिस्क्रिमिनेट बिटवीन साउंड्स एंड अल्फ़ाबेट और लेटर्स. यानी जब हम राइमिंग स्कीम बनाएंगे तो हम अल्फ़ाबेट या लेटर्स को कंसीडर नहीं करेंगे बल्कि साउंड्स को कंसीडर करेंगे. तो आइए करते हैं इस पोइम की जो हमारे पास राइमिंग स्कीम है वो डिस्कस करते हैं. जैसा कि सबसे पहले हमारे पास ये न साउंड है, ये प साउंड है, ये थ साउंड है, और ये भी प साउंड है, और ये हमारे पास श्वा साउंड है, ये भी हमारे पास श्वा साउंड है. श्वा साउंड ई आर का साउंड होता है. नॉर्मली इन रिसीव प्रोनंसिएशन एक्सेप्ट प्रीफर नॉर्मली द नेटिव स्पीकर यूज अ साउंड लाइक टीचर, फादर, और इसी तरह से हियर, नियर. तो उसके लिए जो साउंड होता है वो होता है दैट इज कॉल्ड श्वा साउंड, यानी अ साउंड. ओके, हमने ये साउंड्स लिख लिए. अब हम क्या करेंगे, हम पहले साउंड को ए का नाम देंगे. ये हमने साउंड फिनिशिंग साउंड लिखा है, यानी जो लास्ट पे है, यानी जिससे कोई भी वर्ड खत्म हो रहा है वो वाला साउंड हमने लिखा है. तो देखें, हमारे पास ये था न साउंड, हमने इसको नाम दे दिया ए का. ये प साउंड है, इससे डिफरेंट है तो इसको नाम दे दिया बी का. ये थ साउंड है, ये ना ही तो इससे जैसा है ना इससे जैसा है, तो इसको सी नाम दे दिया. नाउ अब जरा गौर कीजिएगा कि ये प साउंड है और हमारे पास ऑलरेडी भी एक प साउंड एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसको भी हमने उसी वाला नाम दे दिया, यानी बी. तो ये हमारे पास श्वा साउंड है. श्वा साउंड पहले कहीं भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा. इट वुड नीदर बी ए साउंड, बी साउंड, सी साउंड, और बी वंस अगेन. इट कुड बी डी साउंड. ये भी श्वा है तो ये भी हो जाएगा डी साउंड. तो हमारे पास फर्स्ट स्टैंजा की जो राइमिंग स्कीम बनी, जो राइमिंग वर्ड्स बने, दे आर ए बी सी बी डी एंड डी. हम इनको लिख लेते हैं, ए बी सी बी डी एंड डी. ये है हमारे पास फर्स्ट स्टैंजा की राइमिंग स्कीम. सेकंड स्टैंजा का भी हम निकाल लेते हैं. फॉर इंस्टेंस, हियर वी हैव ट साउंड एट द एंड, ये प साउंड, ये ल साउंड, ये वंस अगेन प साउंड, ये ट साउंड, और लास्ट वाला भी ट साउंड है, फिनिशिंग साउंड. तो अब देखें, हमने इसको नाम दे दिया ए. ये प साउंड इससे डिफरेंट है, इसको नाम दे दिया बी. ल साउंड इन दोनों से डिफरेंट है, इसको नाम दे दिया सी. ये प साउंड है, किस जैसा है, ये इस जैसा है, यानी इस जैसा, तो इसको भी हमने नाम दे दिया बी.
अब ये किस जैसा है? ये फर्स्ट वाले जैसा है, तो यानी ये एक जैसे हैं, तो वो ए था, इसको भी ए कह दें, ये भी उसी जैसा है, ये भी ए हो जाएगा। तो हमारे पास ये राइमिंग वर्ड्स आए हैं, ए बी सी बी ए एंड ए, ए बी सी बी ए एंड ए। तो आप अपनी एक्सप्लेनेशन में इसको ऐड कर सकते हैं, द पोएट हैज यूज्ड राइमिंग वर्ड्स ए बी सी बी डी डी इन फर्स्ट स्टैंजा, व्हाइल इन सेकंड स्टैंजा द पोएट हैज यूज्ड ए बी सी बी ए एंड ए। सो इन दिस डायस्टेंजिक पोएम ईच स्टैंजा इज ऑफ ऑलमोस्ट सिक्स लाइन्स। यस, सो इन दिस डायस्टेंजिक पोएम वेयर द ईच स्टैंजा is of six lines, the poet has used personification, alliteration, metaphor, imagery, refrain and rhyming scheme. आप अपनी explanation को इस चीज के साथ भी लिख सकते हैं, and surely it would have a very positive impact in your writing practice. So this is end of today's lecture, and I hope so that you got a better idea that how to explain a poem in a better way. अब नेक्स्ट लेक्चर में हम एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे और नई लर्निंग के साथ मिलेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड गो टू द बॉटम एंड पुश बेल आइकॉन कि आप हमारी आने वाली तमाम वीडियोज को देख सकें। स्टे ब्लेस्ड, अस्सलाम वालेकुम एंड अल्लाह हाफिज़।